डिशमैन कार्बोजेन के बारे में सवाल है, और ये HS इन्होंने नाम अपना पूरा नहीं लिखा है, इनका सवाल है। इन्होंने कुछ योगदान भी किया है, लेकिन देखिए ये कोई पेड सर्विस तो है नहीं। आपने योगदान किया, आपने हमारी सहायता करनी चाहिए, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोई पेड सर्विस नहीं है। सोमेश जी अपना कीमती समय हमारे लिए निकालते हैं, आप सभी के लिए, आप सभी दर्शकों के लिए निकालते हैं, लेकिन यह इस आधार पर नहीं है कि आप कोई पेमेंट करेंगे इसमें। खैर, तो सवाल जो है इनका, 118 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, सितंबर 2022 में लिया था। पूछ रहे हैं कि क्या आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी और इंतजार करें, बने रहें इसमें। ठीक है, मैं आपको डेटा समझाता हूँ, फैसला आप खुद लीजिए। तो 9 नवंबर का जो डेटा है उसने क्लियर बॉटमिंग आउट सिग्नल दे दिया है। बॉटमिंग आउट सिग्नल देने का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक में रॉकेट लग जाए। बॉटमिंग आउट सिग्नल देने का मतलब ये होता है कि अब यहाँ से आप एक सेफ एजम्पशन ले सकते हैं कि 140 का जो मार्क है वो अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन जाना चाहिए, और जब तक ये सपोर्ट रहेगा धीरे धीरे स्टॉक हो सकता है कि फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये इसका थियोरेटिकल डेफिनेशन है, बाकी करेगा नहीं करेगा वो वक्त के हिसाब से होता है। तो इसके दो सपोर्ट अच्छे हैं, 150 140। 150 का सपोर्ट ऐसा है जो आपको बताएगा कि स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है अगर उसके नीचे नहीं गया तो, और 140 का सपोर्ट ऐसा है जो बताएगा कि स्ट्रक्चर इसका अभी भी पॉजिटिव है, स्टॉक में स्टॉक कभी भी ऊपर फिर से चल सकता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, और बाकी पोजीशन उसी के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर रिस्क मैनेजमेंट इमीडिएटली शुरू होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत यहाँ पे लगती तो नहीं है। अभी इसके 175-80 के ऊपर निकलने की उम्मीद कितनी है? जब तक 150 है उम्मीद बहुत ज्यादा है, अगर 140 भी रह जाता है तो भी उम्मीद बनी रहेगी, लेकिन इसमें 2 महीना तो लगना चाहिए, हो सकता है उसके ऊपर भी लगे। जी, और मौका मिला और मैंने एक कटोरी बना दी, शेयर बनाएगा या नहीं? पता नहीं, डिशमैन को फंडामेंटली मैं नहीं देखता हूँ, अदरवाइज कुछ अंदाजा लगाया जा सकता था। बाबा इसका फंडामेंटल तो पता नहीं, ये तो बहुत ही थोड़ा पैसा बना रही है अभी। मे बी ये टर्न अराउंड केस बन सकता है, अगर वैसा हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज ये प्रॉफिट लॉस जैसे होता है ना, ऑल्टरनेट चैनल चलता है। ये जी, मार्च 22 से वैसे ही चल रहा है, एक क्वार्टर प्रॉफिट बनेंगे दूसरे में लॉस, ऐसा ही चल रहा है। तो होप पे ये प्राइस ऊपर आ रहा है, अगर टर्न अराउंड हुई कंपनी तो अच्छा रिवार्ड हो सकता है, अदरवाइज 140 जो होप सपोर्ट है वो चला जाएगा। अच्छा, इस बार सितंबर तिमाही में इन्होंने नेगेटिव दिया है, तो अगली तिमाही में तो पॉजिटिव देंगे ना फिर, इस अगर मतलब जो एक कॉम्बिनेशन चला रहा है उसके हिसाब से। हाँ, तो अगर अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करना चाहें इस ट्रेंड को लेके तो कहना तो वही पड़ेगा। जी चलिए, तो यहाँ पर पैसे बन रहे हैं आपके, तो इतना जरूर ध्यान रखिए श्रीमान HS, आपने अपना नाम नहीं लिखा है इसलिए आपको HS ही बुलाना पड़ेगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पैसे हाथ में हैं, दिख रहे हैं कागज पे, वो ऐसा ना हो कि बाद में यादों में रह जाएं। तो समय पे आपको कहीं ना कहीं लगातार, जितना भाव अगर ऊपर चले तो आप फिर कहीं पर एक नीचे लकीर खींच लीजिए कि भाई इसके नीचे गया तो मैं अपना पैसा निकाल लूंगा। आज की तारीख में वो लकीर कहाँ खींचनी है, इसके लिए सोमेश जी ने आपको महत्वपूर्ण लेवल्स बता दिए हैं, उनका ध्यान रखिए। आगे भी जब ये अगर और ऊपर चलता है, जो सोमेश जी ने लेवल्स बताए, अगर उनको नहीं तोड़ता है नीचे और फिर ऊपर की चाल बनती है, तो फिर आपको समय समय पे ये लकीर ऊपर करती रहनी पड़ेगी। यानी आपको अपना मुनाफा जो है वो प्रोटेक्ट करने की रणनीति पे काम करना पड़ेगा। और वो इसलिए कि फंडामेंटल कन्विक्शन इसके पीछे नहीं बन रहा है। तो अगर कहीं फंडामेंटल टर्न अराउंड जैसा किस्सा बना तब तो वो कटोरी बनेगी, तो फिर आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल कन्विक्शन नहीं आया और फिर वैसी हालत में क्या हो सकता है, वो किसी रेंज के अंदर जाकर के फंस सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिनका आप ध्यान रखिए और समय समय पर इसको रिव्यू करते रहिए।